नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली का न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर की सलाह, जी आपको बता दी 10 अप्रैल से अब 18 प्लस को भी लगाई जा सकेगी बूस्टर डोज। जी हाँ, आपको बता दें 18 प्लस एज ग्रुप वाले को के लिए अच्छी खबर आ गई। 10 अप्रैल से इस एज ग्रुप वालों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा सकेगी। देश में 15 प्लस एज ग्रुप में से लगभग 96% को कम से कम एक कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जबकि लगभग 83% ने दोनों खुराक ले ली। आपको बता दें 10 अप्रैल से 18 प्लस एज ग्रुप वाले कोरोना का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक 18 प्लस एज ग्रुप प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। 18 साल से अधिक आयु के जिन्होंने दूसरा डोज ले लिया है और 9 महीने पूरे कर चुके हैं वे बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। अब तक देश में सभी 15 प्लस आबादी में से लगभग 96% को कम से कम एक कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 15 प्लस एज ग्रुप में से लगभग 83% ने दोनों डोज लगवा ली। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप को 2.4 करोड़ से अधिक बूस्टर डोज भी लगा दी गई। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों ने भी पहली डोज ले ली। आपको यह बता दें कि 6 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। 12 से 14 साल के बच्चों का कोर्बीवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। कोर्बीवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। जी भारत में कोरोना की स्थिति आकर क्या है? भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आए, जबकि 43 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे मौतों की कुल संख्या बढ़कर 5,21,573 हो गई। भारत में सक्रिय कोरोना मामला की संख्या घटकर 11,492 हो गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 0.03% है। देश में बीते 24 घंटे में 1213 मरीज ठीक हुए। गुरुवार को 1033 मामले दर्ज किए गए।